मौजूद नजरिन व समेन किराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदाए रब जलील की बबरकत नाम से जो दिलों की बैदों को खूब जानने वाला है, देखते आंखों सुनते कानों अल हकीम जोन की जानिब से हकीम मौलाना रहम नियाज अत्तार इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। मौजूद नजरिन, आज मैं एक बहुत सस्ता यानी कि कम कीमत और इंतहाई लाजवाब तिला जो कि मजलूकिन के लिए यानी मुर्जनी के आदि के लिए या मुर्जनी के अलावा अज़ ख़ास की तमाम नुकाइस के लिए इंतहाई बेहतरीन और लाजवाब तिला है। साल हर साल मैंने अपने मरीज़ों पर आजमाई है, 100% रिज़ल्ट आने के बाद आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं लिखा हुआ नुस्खा आप लोगों को स्क्रीन पर ज़रूर दिखाऊंगा ताकि आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकें और आसानी से वो अज्जाए तरकीबी पंसार वालों से हासिल कर सकें। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। मौजूद नजरिन, अज़ ख़ास के सैकड़ों नकायस होते हैं यानी कि सैकड़ों बीमारियां होते हैं। हमारे पास बहुत से मरीज़ आते हैं या बहुत से मरीज़ रब्ता कर लेते हैं। कोई कहता है कि टेढ़ापन है, कोई कहता है कि ढीलापन है, कोई कहता है कि हकीम साहब शुरू में खुशफ की तरफ पतलापन है, लागर है, कोई कहता है कि आहिर में यानी अज़ ख़ास की जड़ में पतलापन है, पतला है, लागर है, कोई कहता है कि मेरा इंतशार ठीक नहीं होता यानी कि सख्ती सही नहीं होती, कोई कहता है कि हकीम से सूरत इंजाल होता है, टाइमिंग की कमी होती है। ये सारे के सारे अज़ ख़ास की नकायस की अलामत हैं, नुकसानात हैं अज़ ख़ास की। ये आज का नुस्खा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये हिंदुओं की तिब का नुस्खा है। कानून मुफरद अज़ा में भी इसका ज़िक्र मिलता है, कानून मुफरद अज़ा की किताबों में भी इसका ज़िक्र मिलता है और कुरबदीनी नुस्खाजात में भी इस नुस्खे का ज़िक्र मिलता है बहुत से किताबों में, तिब की किताबों में। मेरे नज़र से ये नुस्खा गुज़र चुकी है। ये कम कीमत होती है लेकिन इंतहाई बेहतरीन रिज़ल्टेबल और बेहतरीन रिज़ल्ट देती है ये नुस्खा। मैंने अपने मरीज़ों पर बहुत दफ़ा आजमाई है, 100% रिज़ल्ट इस नुस्खे का आता है लेकिन बशर्त यह कि अज्जाए तरकीबी बिल्कुल खालिस हो जो कि मिलावट से बिल्कुल पाक हो तो 100% रिज़ल्ट इसका आता है। मौजूद नजरिन, मैं अगर ज़्यादा अफदियत की तरफ जाऊँ इस तिले की जो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और मैं इसकी अफदियत बयान करना शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, फिर आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। मैं आपको बोर करना भी मुनासिब नहीं समझता लेकिन सिर्फ चंद ये बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, सिर्फ इस बात पर इक्तफा कर लें कि ये तिला अज़ ख़ास की तमाम नुकायस के लिए, तमाम नुकसानात के लिए, अज़ ख़ास की तमाम बीमारियों के लिए अब हयात तिला है। मैंने आजमाई है, 100% रिज़ल्ट इसका आता है। नुस्खा बताने से पहले मैं अपना दरख्वास्त आप लोगों के सामने ज़रूर रखना मुनासिब समझता हूँ कि बराए मेहरबानी मेरे नुस्खाजात के वीडियोस को शेयर ज़रूर करते रहना, इसलिए कि आपकी एक शेयर की वजह से किसी की ज़िंदगी बन सकती है, किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी की ज़िंदगी संवर सकती है। आपको पता भी नहीं होगा लेकिन आपकी शेयर की वजह से आपके नमाय अमाल में सवाब लिखा जाएगा। जिस कर खैर की गरज से मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ और लोगों तक पहुँचाने का शौक़ रखता हूँ, इस कार खैर में आप सिर्फ एक शेयर की वजह से मेरे साथ शामिल हो सकते हैं और अगर हो सके तो लाइक भी दिया करें। आपकी लाइक की वजह से मुझे हौसला मिलती है, एक खुशी मिलती है कि अल्लाह की रज़ा के खातिर जो खिदमत में मखलूक खुदा का कर रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोग उस खिदमत को पसंद करते हैं। तो नुस्खा पेश खिदमत है, इंतहाई आसान और सादा तरीके से बनने वाली तिला है।
जंक ये पंसार वालों के पास आम मिलता है। आधा तोला जंक, पहले इसको हम दस्त में बारीक कर लें, इसलिए कि यह खुश्क मिलता है पंसार वालों के पास। आधा तोला जंक, फिर ये आधा तोला आधे पाव ओरिजिनल रोगने कंजद में जलाना है। ओरिजिनल रोगने कंजद में आधे तोले जंक को जला लें, इतना जला लें कि बिल्कुल कोयला बना लें। उसके बाद उतारें और छान लें, और ये तेल, ये रोगने कंजद अपने पास महफूज रखें। रात को सोते वक्त मालिश कर लिया करें। ना किसी किस्म का अबला निकालता है, ना किसी किस्म का खारिश ले आता है, ना छोटे छोटे दाने पैदा कर लेता है, लेकिन अज़ुए ख़ास की तमाम अमराज के लिए अब हयात तिला है। तो माज़ेज नाज़रीन, ये था आज का नुस्खा। इंशाल्लाह मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।